आप देख रहे हैं बॉल क्रेजीज फाइटर फिल्म का फर्स्ट हाफ मैंने देख लिया है। 3D ग्लासेस के साथ मैं फिल्म देख रहा हूं और मैं आपको इसके मध्यांतर तक यानी इंटरवल तक के रिव्यू बताना चाहता हूं। फिल्म काफ़ी स्लो स्टार्ट होती है। फिल्म के जो करेक्टर्स है, जो भी 5 से 6 करेक्टर्स, जैसे मिनी यानी दीपिका पादुकोण, इसके अलावा हमारे पैटी यानी कि ऋतिक रोशन, और जैसे कि करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबेरॉय, ऐसे जो भी करेक्टर्स है, उन्हें रिवील करने में धीरे धीरे टाइम लिया जाता है। उनके बैकड्रॉप को भी थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश की जाती है। अनिल कपूर और ऋतिक रोशन के बीच में कहीं ना कहीं तनातनी रहती है, वो पर्सनल लेवल तक रहती है। वो फर्स्ट हाफ में समझ में नहीं आता कि क्या कुछ क्यों खुन्नस खाते हैं अजय, अनिल कपूर साहब ऋतिक रोशन पर। ये हमें शायद सेकेंड हाफ में पता चलेगा, लेकिन फिल्म अभी तक काफ़ी बढ़िया लगी है। स्टार्ट बहुत स्लो होता है मैं मानता हूँ, लेकिन फिल्म बिल्डअप बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगता है की गई है, वो नए विलन को लिया गया, ऋषभ पर कोई बंदा है। ऋषभ ने अभी तक अच्छा काम किया है, और ऋषभ शॉ ने करके कुछ नाम है उसका। और कुल मिला के इंडिया पाकिस्तान का जो थीम है, इस पर हमने कई सारी फिल्में देखी है और हमें कई सारी फिल्में शायद आगे भी देखने को मिलेगी, लेकिन एयर स्ट्राइक, प्रॉपर एयर स्ट्राइक पर बनी हुई फिल्म, या एकदम एरोप्लेन्स दिखा रहे हैं उसमें, फाइटर जेट्स वगैरह दिखा रहे हैं, तो ऐसी फिल्म बहुत कम हमने देखी है प्रॉपर तौर पे मैं कह रहा हूँ। और ये प्रॉपर इंडिया की पहली एयर फोर्स बेस्ड स्टोरी फिल्म हो सकती है। तो पुलवामा का जो अटैक किया था इंडिया पे, उन्होंने उसका जवाब इंडिया कैसे दे रहा है। फिल्म की स्टोरी एकदम बेसिक सी है और आपको अच्छी भी लगेगी। स्टोरी ये है कि कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट जो इंडिया में आए हैं, उनको उनका खात्मा कर दिया है इंडियन आर्मी ने, और अब पाकिस्तान ये फिराक में है, या उनका ऐसा ही कि वो इंडिया के एयरफोर्स पर अटैक करे। तो इंडिया के एयरफोर्स पर जो अटैक होने की बात हो, वो श्रीनगर एयरफोर्स की, तो कैसे श्रीनगर एयरफोर्स पर जो तैनात हमारे ऋतिक रोशन या जो भी उनकी पूरी टीम है, अनिल कपूर की जो भी टीम है, वो किस तरह से उसका बदला लेते हैं, तो ये इस फिल्म की कहानी अभी तक समझ में आ रही है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा टाइम लगता है बिल्डअप करने, कुछ हल्के फुल्के कॉमेडी गैग्स है जो मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे, क्योंकि क्लेश, यानी कि मैं एक सीरियस फिल्म में एक सीरियसनेस देखना चाहता हूँ। और फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक गाना आया है, जब फर्स्ट मिशन जब इंडिया किसी तरह से क्या फतह करता है ऐसा कुछ, उसके बाद एक गाना आता है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और बहुत सीरियसनेस थी फिल्म में। तो फर्स्ट हाफ में जो गाना आया वो नहीं आता तो भी चलता, मेरा ऐसा मानना है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ही फिल्म एंड हुई है, और VFX फिल्म का काफ़ी अच्छा है, और आसान नहीं होता इस तरह की फिल्म को बिल्डअप करना। श्रीनगर में शूट की गई ये फिल्म, तो लोकेशंस भी अच्छे हैं, BGM बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा कनेक्टिंग में अगर देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगता है सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाऊंगा। फिल्म फास्ट पेस है, बहुत ही क्लासी और मासी ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आएगी, बहुत लार्जर देन लाइफ स्पेक्ट्रम है, पूरा लार्जर देन लाइफ ऑडियंस जैसा मतलब मुझे फील आया था। मैं तो आगे बैठा, तो मुझे मेरे ऊपर से जा रही थी प्लेन, मेरे को ऐसे ठोकने जा रही प्लेन, ऐसा लगा था मुझे। तो अभी तक फर्स्ट हाफ का रिव्यू मैं इसे तकरीबन बिना किसी बकवास के मैं 3.5 स्टार देना चाहूँगा। जैसे भी सेकेंड हाफ देखूँगा मैं एकदम रियल रिव्यू दूंगा, लेकिन पहला 3.5 स्टार बनता है बॉस, मज़ा आया।